छपरा के गांव तरिया के डुमरी छपिया में एक बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। शराबी दूल्हे को ससुराल वालों ने बंधक बना लिया और बारात को दहलीज से वापस भेज दिया। बिहार के छपरा में सूट बूट पहनकर एक दूल्हा आया तो था अपनी दुल्हन ले जाने, लेकिन अब उसी दूल्हे को ससुराल वालों ने बंधक बना लिया है। बारात दहलीज तक आ गई थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, यहाँ तक कि वरमाला भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दुल्हन भड़क गई और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। दरअसल तरैया के डुमरी छपिया गांव में दूल्हा जब वरमाला के लिए आया तो स्टेज पर अजीब हरकतें करने लगा, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से साफ मना कर दिया। दुल्हन की ये नाराजगी दूल्हे को नागवार गुजरी और उसने वहां पर बवाल मचाना शुरू कर दिया। यहां तक कि दूल्हे ने कहा कि वो रोज शराब पीकर आएगा। ऐसे में दुल्हन मंडप छोड़कर चली गई। शादी समारोह में दूल्हे ने जमकर बवाल काटा। मामला गरमाता देख ससुराल वालों ने बारात को वापस बिना दूल्हे के ही भेज दिया और दूल्हे को बंधक बना लिया। यहाँ तक दूल्हे के कपड़े भी उतरवा लिए, लेकिन फिर भी दूल्हे के चेहरे से गुरूर कम नहीं हुआ। ससुराल पक्ष ने सारा दहेज वापस देने के लिए कहा। इसके साथ ही बारात को बिना खाना खिलाए वापस भेज दिया। शादी में जमकर हंगामा हुआ, सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। दुल्हन की नाराजगी के चलते बारात को खाली हाथ लौटना पड़ा। शराब पीकर अपनी ही शादी में पहुंचना इस दूल्हे के लिए हानिकारक साबित हुआ और सहरा बांध कर आया दूल्हा खुद बंधक बन गया। छपरा से श्रीकांत प्रत्युष की रिपोर्ट।